से कॉल आया है। बेटा बात दरअसल ये है कि पहले से ही कुछ कानूनी रिवायतें होनी बाकी हैं, और उसके लिए तुम्हारा हिंदुस्तान आना बेहद जरूरी है। अंकल दरअसल यहाँ कुछ जरूरी काम है, काम खत्म करते ही रवाना हो जाऊंगा। ऑल राइट बेटा, अपना ख्याल रखना, अब सीधे यहीं मुलाकात होगी। ओके अलविदा। ईशान, मैं कितनी बेकरार हूँ तुम्हारा घर देखने के लिए। फिलहाल तो ये जगह अच्छे से पहचान भी नहीं आती। मैं 15 साल बाद हिंदुस्तान में कदम रख रहा हूँ कायनात। वाकई? वैसे वो पहाड़ देख रही हो उधर? यहाँ से वहां तक की सारी जमीन अपनी है। एक वक्त था जब ये सारे हमारे फार्म्स हुआ करते थे, लेकिन मेरे वालदैन के इंतकाल के बाद ये सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा बनकर रह गई है। और लोहम आ गए। आ जाओ कायना, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आह, मैं बहुत थक गई हूँ। वाकई? वाओ, खूबसूरत जगह है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें पसंद आई? यस, तुम्हारा पैलेस तो लाजवाब है। मैंने इस जगह अपना पूरा बचपन गुजारा है। देखिए, वाकई ये काफी खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत तो है। ईशान अंकल, What a pleasant surprise! Welcome, welcome back home, बेटा। तुमने कमाल कर दिया। और कैसे हो बेटा? मैं खैरियत से हूँ अंकल। बेटा मुझे ये खबर तो थी कि तुम आने वाले हो, लेकिन इस तरह अचानक, अरे मुझे इतला कर दी होती तो मैं एयरपोर्ट आ जाता। अंकल मैं आपको तकल्लुफ नहीं देना चाहता। Come on बेटा, इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं होती। अंकल ये मेरी दोस्त कायनात है। Hello uncle, how do you do? I'm doing well, how are you doing? I'm good, thanks. Oh, that's great. आओ बेटा अंदर चलते हैं। चलिए अंकल। लेकिन बेटा ये मजाक वाली बात नहीं है, हमें खबर तो करते कि तुम वारिद होने वाले हो और साथ में कायनात भी आ रही है। अरे कम से कम इस्तकबाल करने का एक मौका तो मिलता ना हमें बेटा। गोपाल साहब का सामान लेकर आओ। जी साहब। और हाँ, जो तुम फुटबॉल क्लब खरीदने की बात कर रहे थे, ख्याल तो उम्दा है, इसके स्कोप्स भी बेहतरीन है। छोटे साहब ने शादी कर ली, बड़ी खुशी की बात है। सीरियसली मुझे भी नहीं पता था। यकीनन मैं आऊंगा। ईशान, ईशान I'm so happy. मैं भी बहुत खुश हूँ। ईशान कैसी हो सानवी? मैं बहुत खुश हूँ। तुम कब आए? तुमने बताया भी नहीं। फिलहाल एनीवेज कायनात, मीट माय डॉटर्स। ये श्वेता है। हाय। और ये है सांगवी, प्यार से इसे सन्नो भी बुलाते हैं। हाय। हे ईशान कैसे हो? ये मलिकाए हुस्न कौन है? मेरी माशूका कायनात, और बहुत जल्द हम दोनों निकाह करने जा रहे हैं। बेटा ईशान तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, डिनर पर मुलाकात होगी। जी जी चलो चलते हैं। तुम पहले अंदर आओ। वाओ ईशान, कितना आलीशान महल है। वाकई खूबसूरत है। और बेडरूम? तो तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है ना? तुमसे ज्यादा नहीं साहब। हम ये सामान कहाँ रखें? सामान को उधर रख दीजिए। जी मैडम। ईशान एक बात कहूँ? तुम्हारा घर देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। कायनात, हमारी ये हवेली अब बस नाम की ही रह गई है, असल में अब ये विरसा जायदाद है।
हम हिंदुस्तान आए सिर्फ इसकी हिफाजत करने के लिए। डोंट वरी, तुम ही जीतोगे। अंकल राजवीर, ये सच में खूबसूरत जगह है। किसी को भी इस जगह से मोहब्बत हो जाएगी। मेरा दिल करता है तमाम जिंदगी में यहीं गुजार दूं। इट्स ऑल योर्स बेटा। अरे तुम्हारा ही तो घर है। अंकल आयशान, इस बार मैं हिंदुस्तान सिर्फ 10 से 12 दिनों के लिए ही आया हूँ, तो हवेली से व्यवस्था जितने भी कानूनी मसले हैं आप उन्हें सुलझा दीजिए। वेल ईशान, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक्चुअली अगर मुझे तुम्हारे आने की तारीख का जरा भी अंदाजा होता तो मैं कल ही वकील से मुलाकात तय कर लेता। कोई दिक्कत नहीं है। कायनात, वो सेब पास कर दो मुझे। हाँ जरूर अंकल। शुक्रिया। वेलकम अंकल। एनीवे, कल तुम घूमो फिरो और थोड़ा कायनात को इलाके की सैर कराओ जी, और फिर हम काम की शुरुआत करते हैं। ओके। तो सांगवी, जरा अपनी कुछ खबर सुनाओ। कुछ नहीं, बस बोर हो रही हूँ इस बड़े से महल में। तो फिर तुम हमारे साथ कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही तुमसे मिल लूं। लेकिन तो इस दफा तुम हमारे साथ चल रही हो ना? नहीं, फिर किसी और दिन। वैसे ईशान, तुमने कायनात के बारे में कभी बताया नहीं। अरे हाँ कायनात, तुम खुद ही अपना तारुफ क्यों नहीं कराती? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। और ईशान, तुम ही बता दो। और मेरी तरह कायनात के भी वालदेन नहीं है। ये एक निहायत खूबसूरत इंसान है और मैं इससे प्यार करता हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों निकाह करने वाले हैं। मैं अभी आई। सांगवी, बेटा ये क्या पागलपन है? पापा, आपने क्यों बात छुपाई? आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? बेटा सब कुछ तो तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा है, अब इसमें छुपाने के लिए रखा ही क्या है? पापा, शायद आपने अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन मेरे लिए अब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें इसे खत्म करना होगा। और बेटा सच्चाई ये है कि वो कायनात से मोहब्बत करता है और जल्दी उससे निकाह करने वाला है। मैंने बचपन से जवानी तक सिर्फ ईशान को ही चाहा है पापा। मैं ईशान को अपने जहन से नहीं निकाल सकती। मैं हार नहीं मानने वाली पापा, क्योंकि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। हर आगाज का अंजाम होता है, और मेरा प्यार भी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। जरूर पहुंचेगा पापा। तुम्हारे जो मन में है वो करो, लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि मोहब्बत और इज्जत जबरदस्ती हासिल नहीं होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खिड़की बंद करो, सोने दो ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ईशान सोने दो, तंग मत करो। अपनी आंखें खोलो और आफताब को देखो। सोने दो। सोते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो तुम। मस्का लगा रहे हो मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी ने बड़े एहतराम से गुड मॉर्निंग कहा है।
किसी ने नहीं, ये सांगवी है। ये मुझसे शबा खैर इसी तरह कहती है हमेशा से, जब से हम छोटे थे। Oh, I see. I am feeling something. रश को रहे। Yes. तो आज आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाएंगे? ये पूरी जायदाद। तुम्हें नहीं लगता कि पूरा दिन शायद कम पड़ जाएगा? हाँ हो सकता है। गुड मॉर्निंग। देखते हैं। हाय। कैसे हो सांगवी? गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब खैरियत से? ऑल राइट। तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? कहाँ? वहीं जहाँ हम दोनों खेला करते थे अपने बचपन में। अब हम बच्चे नहीं रहे ईशान, हम बड़े हो चुके हैं। चलो चलते हैं ना यार, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाएंगी, चलो ना। मेरे जहन में तो सारी यादें ताजा है ईशान, पर शायद तुम ही भूल चुके हो। खैर छोड़ो, तुम लोग मजे करो। डन। ओके बाय। मोहतरमा चले क्या? या बाय बाय। बाय, एंजॉय। ईशान आज तुम पूरे स्टेट की सैर कराओगे। और रात जाने से पहले वापस नहीं आएंगे। और ईशान मुझे एक मुकम्मल डेट चाहिए, समझे? क्या वाकई? हाँ, प्रॉपर डेट होनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी में तो मुझे कभी डेट पर नहीं ले गए। हिंदुस्तान में डेट तो बनती है बेबी। रोमांटिक प्लेस, रोमांटिक कंट्री, रोमांटिक पल। वाओ, कितनी शानदार जगह है बेबी। हाँ वो तो है। लवली। हे वो क्या है? वो दरअसल हमारा बोटिंग क्लब है। मैं यहाँ अक्सर आया करता था। जैसे कि मूवीज। और वो दरख्त देख सकती हो तुम, उसी के पास हमारा ट्री हाउस भी है। सांगवी, श्वेता और मैंने बचपन में मिलके बनाया था इसे। I love you ईशान, I love you। तुम पागल हो। I love you ईशान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, नीचे बैठो। ग्रेट, कितना सुहाना मौसम है। यू नो आई लव यू ईशान। मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आई वांट टू पी बेबी। सब्र करो मेरी जान, हम वहां बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। ईशान गाड़ी रोको। ठीक है। ओह गॉड, कितना खौफनाक है। ईशान यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हें जल्दी थी तो चलो अब नीचे उतरो। अब चलो। अब यहाँ भी मैं ही आऊं? जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाउ सिक।
डरे नहीं? मैं तो खौफजदा हो गया था। चलो चलो। How stupid. बेवकूफ। जल्दी करो ईशान, सर्दी है बहुत। शुरू करने दो जान। क्या हो गया? शुरू हो जा, शुरू हो जा। क्या हुआ अब? क्या मालूम, शायद ही काम ही नहीं कर रहा है। उफ़ लगता है गाड़ी खराब हो गई है। जल्दी देखो। गॉड। ठीक है। क्या हुआ? मुआयना कर रहा हूँ मेरी जान। क्या मुसीबत है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि कार खराब हो चुकी है। नहीं, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। I'm so scared. What will we do? अरे कोई बात नहीं जान। Oh, thank God. अरे Excuse me. हमारी गाड़ी में कुछ मसला हो गया है, आप हमें आगे तक छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। चलो बैठो। खैरियत से हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे करण, क्या आप हमारे घर आकर कॉफी पियेंगे? नो थैंक्स, किसी और दिन आता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ओके बाय। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मिलते हैं। मिलते हैं दोस्त, गुड नाइट। चलो चलते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, वो वक्त पर आ गया। मुझे अभी काफी डर लग रहा है। वाकई सांगवी, तुझे मालूम है ना कि ईशान और कायनात एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो खामखा ही उनके दरमियान आने की कोशिश कर रही है। तू तो अच्छे से जानती है ना कि ईशान मेरे बचपन की मोहब्बत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पर मुझे नहीं लगता कि तू उसे हासिल कर पाएगी। श्वेता, तू शायद जानती नहीं है, लेकिन मैं ईशान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी का मतलब समझती है ना? मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। किसी दिन
उसे हासिल करके रहूंगी। खन्ना साहब, मैं चाहता हूं कि आप रूबरू होकर सीए से मुलाकात कर लें बिफोर वी टेक ओवर। परफेक्ट। ओके सर। एग्जैक्टली। ओके सर। अगले दो दिन तक मैं शहर से बाहर रहूंगा, तो आपका जिम्मा है कि इस दौरान आप ऑडिट का सारा काम मुकम्मल करा लेंगे। okay. और सारे कागजात ईशान को दिखा दीजिएगा ताकि वो निगाह डाल ले। All right, ताकि जब तक मैं वापस आऊं सारा काम हो जाना चाहिए। okay, sir. ठीक है खन्ना साहब, अब आप जा सकते हैं। okay, sir. ईशान, चलो तुम रुख्सत हो, मैं इसे okay. बात में देखता हूं। कहिए अंकल। बेटा, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मिनिस्ट्री में कागजात जमा करा देने से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा करते कि हम खुद जाकर मुलाकात करते हैं। क्या हम कल जा सकते हैं? ठीक है अंकल, तो इसे मुलाकात करते हैं। तो कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। बिल्कुल, ख्याल रखना। जी। ईशान। hey, करण, हाय, क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी खैरियत से हूँ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो इसी होटल में ठहरा हूँ। क्या बात कर रहे हो, ये होटल मेरा ही है। वाह। हाँ। ओके करण, बताओ हमें खातिरदारी का मौका कब दे रहे हो तुम? मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है ईशान, कभी भी तुम्हारे घर आ जाऊंगा सरप्राइज की माने। बेटा ईशान। हाँ कहिए। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं एयरपोर्ट से मिनिस्ट्री चला जाऊं। अच्छा। ताकि आज शाम तक मिनिस्ट्री की टेबल पर अपनी फाइल रख दूं और कल सुबह तक उन पर दस्तखत हो जाएं। और हाँ, मलिक साहब याद कर रहे थे, अब रोज रोज आना नहीं होता तो तुम होटल चले जाना, थोड़ा आराम कर लेना और शाम में हम मलिक साहब के यहाँ पर खाने में चलेंगे। और हाँ, वो सैगल साहब का प्रोजेक्ट भी देख लेंगे। ऑल राइट। कायनात में एक दिन के लिए दूर जा रहा हूँ। तुम्हारी याद आएगी। अरे सिर्फ एक दिन की तो बात है। I love you. I love you too. आपको बहुत मिस करूंगी डैड। जल्दी आना। हाँ, बिल्कुल मेरी जान। चलो अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं। See you. चले? ठीक है डैड। Okay, let's go. Bye कायनात। Bye my dear. जल्दी मिलते हैं। Absolutely. हाँ बेटा, वो कागजात की अच्छी तरह से जांच कर ली थी ना? जी। वैसे तुम सच में डर गई। तुम यहाँ पर कैसे? तुम अकेली थी, ईशान भी यहाँ पे नहीं था। तुम काफी बोर हो रही होगी ना, तो सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही मिल लूं। ओह शुक्रिया। चलो जाने दो, चलो तुम मेरे साथ चलो। हाँ चलो। Thank you.
कौन है? ईशान, कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? क्या हुआ कायनात? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सांगवी, वहां पे कोई था। घबराओ मत कायनात, घबराओ मत। तुम जरूर अंधेरे की वजह से डर गई होगी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे वहां किसी की आहट सुनाई दी, फिर लगा कोई आ रहा है। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं महसूस कर सकती हूँ सांगवी, यहाँ कोई है। यकीन मानो मेरा सांगवी, यहाँ कोई है। कायनात, ईशान भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम डर रही हो। मैं बचपन से यहीं रही हूँ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जाओ और आराम करो। मॉर्निंग ईशान, कब आए तुम? कायनात, बिल्कुल अभी अभी। ईशान, मैं यहाँ बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? हर पल मुझे ऐसा महसूस होता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा यहाँ पीछा कर रहा है। ईशान, अरे छोड़ो ना कायनात, क्या मजाक कर रही हो तुम? हा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ईशान, मैं महसूस कर रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं समझ सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कायनात, मेरे बगैर तुम एक दिन नहीं गुजार सकती, इसका मतलब समझती हो तुम? तुम्हें लत लग गई है, तुम्हें मेरी लत लग गई है। वाकई? बेटा, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है और थोड़े मसले सुलझाने हैं, तो मैं सोच रहा था कि hey, करण, मेरी हवेली में खैर मकदम है। हेलो, आज मैंने सोचा कि तुम्हारा पहले से क्यों ना देख लूं। हाय कायनात, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? थैंक यू। वैसे ये खूबसूरत फूल खूबसूरत लड़की के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, ये करण है। हेलो यंग मैन। हाय, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। करते क्या हो करण? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा, किसी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। ये वही शख्स है जिन्होंने उस रात हमें लिफ्ट दी थी। अगर ये ना होते तो उस रात हम पता नहीं कहाँ खो जाते। फिर तो बेटा हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारे बच्चों की मदद जो की। खैर मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी बेटियों से करवाता हूँ। हे श्वेता सांगवी यहाँ हो। श्वेता बेटा ये करण है। करण ये श्वेता है मेरी बड़ी बेटी और ये है सांगवी। ये मेरी आंखों का तारा है। साहब खाना तैयार है। लेट्स गो खाना खाते हैं। गोपाल काका फ्लावर्स रख दीजिए। आज बहुत जोरों की भूख लगी है। ये मेंटल डिसऑर्डर का मामला लगता है। कायनात जी मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, आप उसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। मुझे लगता है आप सोचते हुए अपनी ख्यालों की दुनिया में चली जाती हैं, है ना? बुरे ख्यालात भी आते होंगे, है ना? आप जहनी तौर पे डर भी जाती हैं। मुझे लगता है आपकी बात एकदम दुरुस्त है डॉक्टर। मैंने भी एकदम अजीब और गरीब तरह का बदलाव देखा है कायनात के अंदर। यही तो मसला है ईशान। हमने मानसिक रोगियों में अक्सर ये देखा है कि वो अपने ख्यालों की दुनिया में जाकर दीवारों पर डरावनी शक्लें बनाने लग जाते हैं। ओहो। और अक्सर ये देखा गया है कि वो इन शक्लों को बुरी आत्माएं समझ बैठते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके जहन में उनका खौफ भी बैठ जाता है। डॉक्टर ये हेलुसिनेशन का मसला नहीं है। मैं बीमार नहीं हूँ, ये मेरी हकीकत है। कोई मेरे कानों में कुछ बोल के जाता है, कोई मुझे छू के जाता है। डॉक्टर मैं ये सब महसूस कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं दिमागी तौर पे पागल नहीं हूँ। मिस्टर ईशान कायनात जी ने अपने ख्यालों की दुनिया को हकीकत बना लिया है। देखिए इनकी आंखों के नीचे जो सियाह घेरे हैं, ये घेरे यही बताते हैं कि ये कई दिनों से सो नहीं पाई। इन्हें सोने की सख्त जरूरत है। अंकल राजवीर प्लीज आप ही इन्हें समझाइए। डॉक्टर ये हकीकत है, मैं वाकई पागल नहीं हूँ। सांगवी तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है, कायनात के बारे में सोच रहे थे ना? नहीं बस ऐसे ही। मैं जानती हूं ईशान, तुम कायनात के बारे में ही सोच रहे थे।
समझ क्यों नहीं रहे हो ईशान? कब से कह रही हूँ मैं तुम्हें, है इस महल में कोई ऐसा जो साई की तरह मेरा पीछा करता है? मैं उसे महसूस करती हूँ। कोई मेरे कानों के पास आकर मेरा नाम पुकार कर जाता है ईशान। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ईशान कि वो मुझसे क्या चाहता है। कायनात, ये कुछ नहीं बस तुम्हारे दिमाग का तसव्वुर है। जो कुछ भी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं सिर्फ उस पर यकीन करता हूँ। ईशान, तुम्हें तो मेरी तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा है। मेरे हालात समझने की कोशिश करो। कायनात, कायनात, मैडम, 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 कायनात, बोलना मिश्रा। क्या, कहां? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। अंकल, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम, देखते ही साहब को फोन किया मैंने। बेटा, तुम इत्मीनान रखो, मैं भी आ रहा हूं।
ईशान तुम कायनात को लेकर घर जाओ, मैं सब संभालता हूँ। तुम जाओ बेटा। मिश्रा, कमिश्नर को फोन लगाओ। हाँ जी। मदन की मौत, कायनात का ये हाल, अब तो मेरे जहन में भी एक सवाल पैदा होने लगा है। क्या वाकई इस घर को किसी की नजर लग चुकी है? कुछ तो है जो इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को कैसे अपनी बात पर यकीन दिलाऊं। आप लोग मेरा एतबार नहीं करते। यहां जरूर किसी की मौजूदगी है जिसे मैं महसूस कर सकती हूं, पर उसे आप लोग महसूस नहीं कर सकते। ना वो जानवर है ना इंसान। यार ईशान, मुझे तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। वैसे मैं कायनात की हालत समझ सकता हूँ। जब कोई कमजोर दिल का इंसान खून का एक कतरा भी देख ले तो वो अपने होशो हवास खो बैठता है, और कायनात ने तो उस नौकर की लाश को बहुत बुरी हालत में देखा है। हो सकता है ये उसी का असर हो। बाय द वे, मुझे निकलना होगा। बाय अंकल। बाय ईशान। मुझे तो कायनात की बात में सच्चाई नजर आती है। ये भूत, प्रेत, रूहें, इनके वजूद को नकार नहीं सकते। क्या हुआ कायनात? क्या हुआ कायनात? अंकल देखिए इसे, देखिए इसे क्या हो गया है। कायनात, कायनात क्या हुआ बताओ। परेशानी की कोई बात नहीं, वो वॉमिट की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हों तो मुझे इतला कर। ऑल राइट।
मालिक। अगर आपको खुदा पर एतबार है तो आपको शैतान पर भी यकीन करना होगा। एक बुरी आत्मा, बेहद बुरी आत्मा, जो मेम साहब को भी परेशान कर रही है और वही उनको तकलीफ दे रही है साहब। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस घर पर किसी शैतानी रूह का साया है जो सिर्फ कायनात को परेशान कर रहा है? आप 21वीं सदी में रह रहे हैं जनाब, और अगर ये बात सच है तो किसी और ने इसे क्यों नहीं देखा, किसी और ने इसे महसूस क्यों नहीं किया? अंकल श्वेता और सांगवी इस घर में न जाने कब से रह रहे हैं, बहुत सालों से, मगर आज तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। बेटा ईशान रुको, मुझे तो गोपाल की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, जरूर इसने। अंकल आप भी? मैं अब कायनात को वापस ले जाना चाहता हूं। लेकिन आप जा नहीं पाओगे मालिक, क्योंकि वो आत्मा आपको मेम साहब को ले जाने नहीं देगी, क्योंकि वो आत्मा मेम साहब को मार डालेगी, जान से मार डालेगी। बकवास बंद करो, कायनात और उस शैतानी रूह के बीच में मैं खड़ा हूँ। कायनात को मुझसे जुदा करने से पहले उसे मुझे खत्म करना होगा। रिलैक्स ईशान, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, कायनात को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मालिक, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेम साहब को बचा सकता है, और वो है मलंग बाबा। कोई अतृप्त आत्मा है जो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। लेकिन बाबा, आपकी तंत्र विद्या में इसका कोई तोड़ तो होगा, कोई ना कोई इलाज तो होगा ना बाबा? है, उस आत्मा ने इस लड़की को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है, इसे कुछ भी करके रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कुछ भी करिए बाबा, लेकिन इस लड़की को निजात दिलाइए बाबा। Mm-hmm.
तो चला जा तू, चला जा तू। मैं पूछता हूँ कौन है तू? तेरा ये तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला जा यहाँ से, चला जा। तो यहाँ क्यों आया है? चाहता है तो भाग जा यहाँ से। जाना तो तुझे होगा इस लड़की के जिस्म को छोड़कर। अरे चला जा वरना भस्म कर दूंगा। बहुत इंतजार किया है मैंने इसका और अब इसे लेकर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मेम साहब को लेकर मलंग बाबा के पास चलिए, वही आप लोगों की परेशानी दूर कर सकते हैं, वरना इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो हमारी मेम साहब को बचा सके। खुदा से बढ़कर कोई नहीं, कयामत आने वाली है। सुनो, शैतान आगे बढ़ रहा है अपना जबड़ा खोले हुए। वो सियाह रूह फौरन अपने मकसद में कामयाब होने वाली है। अगर वो कामयाब हो गई तो कायनात में कयामत आ जाएगी।
उस लड़की को उस खौफनाक रू से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। कोई उसे बचा नहीं सकता, क्या मतलब बाबा? मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कायनात की मौत हो जाए। अरे नादान, तू उस खूंखार रूह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुझ में हिम्मत और जज्बा है तो तू उस नापाक रूह से लड़ जरूर सकता है। प्यार में बहुत ताकत होती है। तू जानना चाहता है वो कौन है जिसने तेरी जिंदगी में हलचल मचा दी है, जो इस वक्त तेरे घर में है, जो तेरी जिंदगी में है, जो तेरी बीवी के जिस्म में है। कौन है उसके जिस्म में? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि करण ऐसा कर सकता है। मेरा जहन तो पूरी तरह उलझन में है, न जाने ये हो क्या रहा है। हाँ? ईशान सिंघानिया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिससे तुम कायनात को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। अब कोई तंत्र मंत्र या ताबीज काम नहीं आएगा। अब कायनात को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम कायनात को कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। कायनात को अब कोई नहीं बचा सकता। कायनात की रूह अब मेरी हो चुकी है, उसे मैं साथ ले जाऊंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? कायनात ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? 70 बरस से जिस प्यार की तलाश में मैं भटक रहा था, आज वो वक्त आ चुका है। करण, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बेटा, वो जरूर कायनात के पास गया होगा। चलो वहीं चलते हैं। Huh?
सांगवी। ईशान, तुम यहाँ मेरे पास? सीरियसली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ सांगवी कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो और मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। सांगवी, अगर तुम वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं तो हम दोनों को एक साथ कायनात को अपने रास्ते से हटाना होगा। ईशान, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। सांगवी, मैं खुद कायनात से पीछा छुड़ाने के हक में हूँ। वो तो वैसे भी मौत के कुएं में जा रही है। अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो उसकी गर्दन से वो ताबीज निकाल लो और फेंक डालो। आई लव यू सो मच ईशान, आई लव यू। बहुत ज्यादा चाहती हूँ ईशान, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। सानवी, मैं तुम्हारी आरजू है ईशान और मेरी चाहत है कायनात। अगर तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती हो तो जो मैं कहूं वैसा ही तुम करो।
कायनात। कायनात कायनात, जूस पियो प्लीज। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? लो इसे, जूस पियो। तू क्या समझता था मैं तेरे इस ताबीज से डरकर भाग जाऊंगा? हाँ, तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ हो रही है ना? इंतजार कर अमावस तक, उसके बाद तेरी सारी तकलीफें काफ़ी हो जाएंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इशान, इशान, खुदा के लिए मुझे बचा लो। इशान, इशान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इशान, बहुत दर्द। अंकल, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि कायनात के गले से ताबीज निकाला किसने और क्यों निकाला। बेटा, यही सवाल तो मैं अपने आप से बार बार कर रहा हूँ। आखिर कौन है वो, किसको क्या फायदा हो सकता है? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा बेटा। मेरे तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। ना जाने किसकी नजर लग गई इस घर को। ईशान, आखिरकार तुम मेरे हो गए, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो गए, हमेशा के लिए। सांगवी, क्या तुमने कायनात के गले से वो ताबीज निकाला? मैं क्यों निकालूंगी? मैंने कोई ताबीज वाबीज नहीं निकाला। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुमने वो ताबीज निकाला? मैं जानता हूँ कि तुम कायनात को मारना चाहती हो। मैं कायनात के लिए हर रोज मर रहा हूँ। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। ईशान, मैंने ही उस तावीज को फेंका था। क्या? हाँ, मैंने ही उसे फेंक दिया था, क्योंकि मैं जान चुकी हूं ईशान कि तुम मेरे नहीं हो सकते। और मैं तुम्हें कायनात के लिए तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती ईशान। और करण का असली नाम करण कटियाल है, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। फॉरेस्ट ऑफिसर?
ऐसा एहसास हो रहा है कि सदियों से यहां कोई नहीं आया। लगता है यहाँ के बाशिंदे को पेंटिंग का बहुत शौक था। ये तो किसी आदिवासी लड़की की तस्वीर लगती है। आदिवासी? अंकल, हाँ, देख के लगता है इस तस्वीर में जो औरत है वो कायनात जैसी दिखती है। क्या क्या बात कर रहे हो ईशान? कायनात और आदिवासी की शक्ल में? ये तो समझ से बाहर की बात हो गई। मैं भी तो ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ तो राज जरूर होगा, कुछ रिश्ता जरूर होगा इस जगह और करण के बीच, और इस तस्वीर और कायनात के बीच। ईशान, यहां करीब में एक आदिवासियों का गांव है, वहां चलते हैं, शायद कुछ पता चल जाए, क्योंकि ये तस्वीर किसी आदिवासी लड़की की ही है। ठीक है। भाई साहब, जरा सुनिए, इस तस्वीर में जो लड़की है उसे पहचानते हैं आप? नहीं, माफ करना, तुम जरा देखना। नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद उन्हें पता होगा। ठीक है, शुक्रिया। बाबा, इस लड़की को पहचानते हो क्या? इस लड़की को पहचानते हो आप? इधर आओ। साहेब, वो माई की तबीयत खराब है, इसीलिए हम आए हैं काम करने। नाम क्या है तुम्हारा? कुसुम। पास आओ।
बिल्कुल हमारे जैसी है, हमारी तस्वीर है साहब जी। आज अमावस की रात है, आज उस हैवान की हैवानियत बुलंदी पर होगी। सिया रात का अंधेरा आज उस हैवान की ताकत में 100 गुना का इजाफा कर देगा। आधी रात होने से पहले उस हैवान के कंकाल को तुम लोगों को जलाना होगा। मलंग बाबा, हमें उसकी हड्डियों का ढांचा कैसे मिलेगा? ये 4 कोड़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। Let's go.
ईशान बेटा कौड़ियां निकालो। जरूर अंकल। अब दूसरी वाली फेंको। जी। अभी शान चौथी कौड़ी भी फेंक दो। फेंको बेटा। ईशान लगता है ये वही जगह है। जी अंकल यही वो जगह है, हमें चलना चाहिए। चलो चलिए। ईशान जल्दी जल्दी ईशान जल्दी ईशान हरी अब। चलिए अंकल। पापा, श्वेता, श्वेता तुम खैरियत से हो? श्वेता, 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 क्या हुआ श्वेता? डैडी, सांगवी को उसने मार दिया। सांगवी को क्या हुआ? क्या? मुझे नहीं पता। क्या मार डाला? मार दिया? मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ से निकलो प्लीज। Mm-hmm.
ईशान, ईशान खुदा के लिए बचा लो। ईशान आ जाओ मेरे पास। ईशान, ईशान नहीं, ईशान मत जाओ, खुदा का वास्ता मत जाओ, ईशान मत जाओ। नहीं, 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 नहीं। मेरे पास आ जाओ, आओ, आओ। आज तू मुझे नहीं रोक सकता। कायनात, कायनात, शहजादा आएगा और शहजादी को ले जाएगा। अंकल ठीक है बेटा, यही कहीं आसपास होनी चाहिए। ईशान वहां देखो, वहां कुछ दिखाई दे रहा है। कहां पे? वहां मिल गया।
ईशान बेटा ये जगह हो सकती है। ठीक है अंकल। मुझे मालूम था मुझे वो तेरे काबू में नहीं आएगा। हिम्मत कर और सामना कर उस शैतान का, खुदा तेरे साथ है। तेरी जीतने की जिद ही तेरे प्यार की हिफाजत करेगी। ये बाबा पीर की मजार का संदल का पानी है, जैसे ही तुम ये शैतान के जिस्म पर छिड़क दोगे वो शैतान जलकर खाक हो जाएगा। उठो कायनात, अपनी आंखें खोलो। कायनात 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 अपनी आंखें खोलो। कायनात मेरी बात तो सुनो।